हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर्यावरण ईटीपी टेक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग नाइट्रिफिकेशन के बारे में बात करें, तो डीनाइट्रिफिकेशन जानने से पहले आपको नाइट्रिफिकेशन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नाइट्रिफिकेशन का, वो आप वीडियो जरूर देखना डीनाइट्रिफिकेशन समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो डीनाइट्रिफिकेशन होता क्या है? इन द केस ऑफ ईटीपी डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है, जो एंड ऑफ नाइट्रिफिकेशन होता है, मतलब एंड ऑफ नाइट्रिफिकेशन, एंड ऑफ नाइट्रिफिकेशन से हमें क्या मिलता है? एंड ऑफ नाइट्रिफिकेशन से हमें मिलता है NO3-, ठीक है, नाइट्रेट। एंड ऑफ नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट मिलता है, तो यहां से हमारा डीनाइट्रिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है, एक चीज ध्यान रखना, डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है, डीनाइट्रिफिकेशन एनारोबिकली होता है। नाइट्रिफिकेशन हमारा जो होता है वो एरोबिकली होता है, एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक कंडीशन होता है इसमें। और जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है उसमें जो होता है एनारोबिक कंडीशन होता है, मतलब उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। और हमारा नाइट्रिफिकेशन में डिजॉल्व ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती है और उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो हमारा NO3 है ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, किसमें? नाइट्रस ऑक्साइड में, मतलब N2 और N2 में, मतलब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो होता क्या है, हमारा NO3 जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? N2 और N2 में, ठीक है, गैस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और N2 में गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये समझो आप लोग। तो होता क्या है कि इसको डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को करने के लिए हमारे कुछ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं। जैसे कि हमारे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं किसमें? नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में। वैसे ही इस प्रोसेस को करने के लिए, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को करने के लिए कुछ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम, जैसे कि आप मान लो एक होता है थियोबैसिलस, उसके बाद होता है आपका पैराकोकस, थियोबैसिलस, और भी बहुत सारे हैं, तो ही को जानो आप, थियोबैसिलस, पैराकोकस, ये बैक्टीरिया जो होते हैं डीनाइट्रिफाइंग प्रोसेस को या डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ हम उससे समझते हैं, क्या नाम है, रिएक्शन से। तो NO3- एंड ऑफ, जैसे मैंने बताया एंड ऑफ नाइट्रिफिकेशन में हमारा NO3- नाइट्रेट निकलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या बन जाएगा, NO2- और H2O, ठीक है। पता है आपको इसे क्या कहते हैं? ये होता है नाइट्राइट, ठीक है। अब आगे आ जाओ सेकेंड पे, NO2- दो हाइड्रोजन प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, NO, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ क्या हो जाएगा, H2O, ठीक। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फिर NO जो होता है 2NO प्लस दो हाइड्रोजन प्लस दो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया, N2O प्लस H2O। अब ये है नाइट्रिक ऑक्साइड,
नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। अब जो होता है N2O हमारा रिएक्शन होता है, इसका दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, N2+H2 का नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये फोर रिएक्शन परफॉर्म होती है डीनाइट्रिफाइंग प्रोसेस में, ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस आपका एनारोबिकली होता है, एनारोबिकली मतलब एनारोबिक टैंक जो होता है ईटीपी पे, जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पे जो एनारोबिक टैंक होता है उसमें ये रिएक्शन परफॉर्म होता है डीनाइट्रिफिकेशन का, ठीक है। अब डीनाइट्रिफिकेशन का ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, इसमें जो है जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको सूडोमोनास आपका हो गया, सूडोमोनास हो गया आपका, सूडोमोनास हो गया, और जो दो और बताया हमने पैराकोकस हो गया आपका, जैसे मैंने बताया आपको सूडोमोनास हो गया, पैराकोकस हो गया, और थियोबैसिलस हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या करते हैं, इन जो हमारा NO3 है, ये NO3, ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं या एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो इसमें जो ऑक्सीजन होता है प्रेजेंट होता है उससे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, जो NO3 है। तो होता क्या है इस प्रोसेस में होता ये है, इन दिस प्रोसेस टोटल NO3 रिड्यूस्ड, टोटल NO3 रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ N2, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जो NO3 है, नाइट्रेट है, वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, N2 में, ये नाइट्रस ऑक्साइड में ये हो रहा है पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो ये है डीनाइट्रिफाइंग प्रोसेस, ये एनारोबिकली होता है, ये चीज का ध्यान रखना आप लोग, एनारोबिकली होता है, ये एनारोबिक टैंक में ही परफॉर्म होता है, जो हमारे ATP पे एनारोबिक टैंक होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसा कि डीनाइट्रिफिकेशन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या होना चाहिए। तो पहला जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो है कि डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस वर्क इन द एब्सेंस ऑफ O2 या डिजॉल्व ऑक्सीजन। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो होता है इसको होने के लिए ऑक्सीजन का एब्सेंस होना, डिजॉल्व ऑक्सीजन का एब्सेंस होना जरूरी होता है, ठीक है। सेकेंड आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो है कि डीनाइट्रिफिकेशन के लिए BOD लेवल जो होता है, फॉर द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस BOD should be high। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए BOD का हाई होना क्या है, जरूरी है। इसीलिए जो हमारा एफ्लुएंट होता है
उसको हम सबसे पहले प्राइमरी से कहाँ भेजते हैं, प्राइमरी से हम डायरेक्ट आपका एनारोबिक टैंक में ही भेजते हैं, क्योंकि जो भी बीओडी उसमें होती है, जो बीओडी लेवल होता है उसमें, वो बीओडी क्या होता है, पहले वहाँ 60 से 70% वहीं रिमूव हो जाता है डीनाइट्रिफिकेशन मतलब एनारोबिक टैंक में ही। तो इसीलिए हम सबसे पहले अपना एफ्लुएंट को एनारोबिक टैंक में भेजते हैं, ठीक है। तीसरा देखो, जैसा मैंने बताया कि NO3 जो होता है, नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट से कुछ ऑक्सीजन को जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो या ग्रो हुए हों ऑक्सीजन के एब्सेंस में या जिंदा रहे ऑक्सीजन के एब्सेंस में, वो हमारे होते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। तो वो क्या करते हैं कि जो नाइट्रेट होता है हमारा, उसमें से कुछ ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम NO3 नाइट्रेट द डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन फॉर डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। ये तीन कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं डीनाइट्रिफाइंग डीनाइट्रिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये फिफ्थ स्टेज है नाइट्रोजन साइकिल का, फिफ्थ पांचवा स्टेज है नाइट्रोजन साइकिल का। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में जानेंगे, फिर लास्ट स्टेज होता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो होता क्या है कि हमारे ये एनारोबिक में परफॉर्म होता है जैसा कि मैंने बताया आपको, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, वो एनारोबिकली परफॉर्म होता है, उसमें ना आपको एयर देनी है ना कोई अदर चीज ऐड करनी है, उसमें वो अपना परफॉर्म होता रहता है और जो भी हमारा नाइट्रेट है उसको कन्वर्ट करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करता रहता है, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा इन द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो कि आपका सुडोमोनास पैराकोकस, ठीक, थियोबैसिलस, ये जो बैक्टीरिया है आपके डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है। द डीनाइट्रिफिकेशन, द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया सुडोमोनास पैराकोकस थियोबैसिलस कन्वर्ट NO3 नाइट्रेट, NO3 इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है, गैस इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक। इन द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ये कन्वर्ट NO3 नाइट्रेट इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ गैस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इन द सेटअप एब्सेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, ये हो गया डीनाइट्रिफाइंग प्रोसेस का तो छोटा सा डेफिनेशन। या सीधे सीधे ये कह लें कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट
नाइट्रेट का रिडक्शन होना, इसमें नाइट्रेट का रिडक्शन ही हो रहा है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट, ये टोटल यही कह लो रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, ये छोटा सा डेफिनेशन है, इन द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। ठीक है, या गैस एब्सेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें मैंने बताया प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक, तो ये है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। खींच, अगर इसे और लंबे में बताना चाहें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका जो हमारा जो इसका वर्क होता है वो एनारोबिकली होता है। अगर और इसको हम डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं बस ETP के बेस पे इसको बताया हूँ। तो आपका जो ये जो प्रोसेस होता है एनारोबिकली परफॉर्म होता है, एनारोबिक टैंक में होता है, इसीलिए हर प्लांट पे एनारोबिक टैंक का होना ज़रूरी होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पे, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलती है एनारोबिक प्लांट से। ठीक है, एनारोबिक टैंक से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहो दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।